गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिव्य ज्योति श्रीवास्तव। कल हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको कल जैसा कि बताया था कि जिस तरह से हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, सेल में न्यूक्लियस का भी काम कुछ वैसा ही होता है। देखिए, आपकी एनसीईआरटीज की लाइन है, आप अंडरलाइन करते चलिएगा। न्यूक्लियस जो होता है वो एक डबल लेयर्ड कवरिंग से ढका हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स या होल्स होती हैं जो सब्सटेंस या मटेरियल को ट्रांसफ़र करती हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस को भी सब्सटेंस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी, तो वो न्यूट्रिएंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से ही अंदर आता है। उसके बाद देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एट एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली वैन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। जो सेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं कि 23 पेयर्स। पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है, तो जब आप 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है? डीएनए के फॉर्म में डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, इसका काम क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो बिल्कुल देखने में पापा की तरह है, इसके अंदर पापा या मम्मी वाली क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र करने का काम क्रोमोसोम और डीएनए ही करते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसे हम जीन कहते हैं। द न्यूक्लियस प्लेज अ वाइटल रोल इन यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन। देखिए, सॉरी, सेलुलर रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। देखिए, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। ठीक है, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि सेल्स जो हैं वो अपने आप को डिवाइड करके और अधिक एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनता है। देखिए, अब आगे बढ़ने के लिए हमें दो चार पॉइंट्स ऐसे हैं, दो चार चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपकी चार चीज़ें हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो चलिए जानते हैं कि ये चारों चीज़ें क्या हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट हो, या द ऑर्गेनिज्म इन विच ओनली वन सेल इज प्रेजेंट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट हो उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यूनि का मतलब एक होता है और मल्टी का मतलब एक से अधिक होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से अधिक सेल पाया जाता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ रखा है। इसके बाद देखते हैं यूकैरियोटिक। तो आपका यूकैरियोटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला यू और दूसरा कैरियन। कैरियन, या आप इसको कह सकते हैं कैरियोट, आप जो भी कहें। यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू फॉल्स के बारे में तो आपने सुना है, ट्रू क्या होता है? मतलब सही। ठीक है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या न्यूक्लियस ट्रू होता है आप कह सकते हैं, उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में हम आगे और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आप इसका मतलब जान लीजिए कि यू का मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। उसी तरह से प्रोकैरियोट का मतलब प्रो प्लस कैरियन, जिसका मतलब प्रो का मतलब होता है प्री और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो इसका मतलब ये होता है जिसमें न्यूक्लियस जो हो वो एब्सेंट हो, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक बार मैं फिर बता दूँ, द ऑर्गेनिज्म इन विच, या द सेल इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल, एंड द सेल इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल।
ठीक है, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जब आपकी नोट्स मिलेंगी तो आपको ये चीज़ें आपकी नोट्स में मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सच ऑर्गेनिज्म हूज सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, प्रिमिटिव या प्राइमरी या प्री। ठीक है, कैरियोट मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है साइटोप्लाज्म क्या होता है। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये लिक्विड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि सेल का लैटिन जो मीनिंग है वो स्मॉल रूम है, मतलब एक छोटा सा कमरा। और कमरा हमें कैसा चाहिए होता है, वेल फर्निश्ड चाहिए होता है, मतलब उसमें सारे इंतज़ाम किए हों, अच्छे से बेड लगा हो, सोफ़ा लगा हो, सब कुछ। उसी तरह से जो सेल होता है वो कई सारी ऑर्गेनल्स को कंटेन करता है जो उसके स्पेसिफिक काम करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी है तो उसमें कई सारे ऑर्गन हैं, हाथ है, पैर है, आईज़, नोज़, ईयर्स, सबका वर्क जो है वो क्या है, अलग अलग है। जैसे हम को अगर चलना होता है तो हम पैर का यूज़ करते हैं, देखने के लिए आँखों का यूज़, उसी तरह से सेल जो होता है उसके पास कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हमको उन्हीं सेल और ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर दिया हुआ है। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए कह रहा है कि जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर अगर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, सेल वर्क कर रहा है, तो अकेले नहीं कर रहा होगा, उसे कुछ ऑर्गन्स की, कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होगी, और ऐसे ऑर्गन्स को ही हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, मतलब सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे या जो ऑर्गन्स होंगे जो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। देखिए सबसे पहला ऑर्गेनल जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है उसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम जो होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मतलब सेल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन करना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है। तो ये इससे आपको फंक्शन पता चल गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, द SER, देखिए जहाँ भी RER या SER लिखा होगा उसका मतलब आपको तुरंत समझ आना है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। SER helps in manufacture of fat molecules or lipid important for cell function. देखिए SER का काम होता है fat molecules को produce करना। ठीक है, fat molecules सबके अंदर present होते हैं, तो SER का काम यही होता है। ठीक है, और these protein and lipid help in building the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो यही प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में यूज़फुल होते हैं, या इनकी हेल्प से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका फिगर दिया हुआ है, एनिमल सेल है ये। ठीक है, एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। उसके बाद देखिए इसमें सारे ऑर्गेनल्स आपके हैं। चलिए अब सेल ऑर्गेनल्स पे आ गए हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि अभी हमने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा, तो यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स सारे प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए एनिमल सेल क्या होगा, यूकैरियोटिक होगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, ठीक है। गॉल्जी अपैरेटस आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये भी आपका एक सेल ऑर्गेनल्स ही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म ये लिक्विड फ्लूइड, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, लाइसोसोम आपका एक सेल ऑर्गेनल है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, और राइबोसोम मतलब कि प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ये। आगे देखते हैं, प्लांट सेल का फिगर दिया हुआ है। प्लांट सेल आप देख सकते हैं, सेल वॉल इसमें दी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप, गॉल्जी अपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये फिगर्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये फिगर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दो चार बार इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लें। ईजी वे में भी आपको ये फिगर बनवाया जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो गॉल्जी अपैरेटस है, इसको कैमिलो गॉल्जी ने दिया था। कैमिलो गॉल्जी वॉज अ साइंटिस्ट जो जिनकी पैदाइशी जो थी वो ब्रेस्किया नाम के देश में हुई थी। देखिए गॉल्जी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गॉल्जी, एक नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गॉल्जी अपैरेटस। अब आप कह सकते हैं कि देखिए ईआर जो मटेरियल सिंथेसाइज करता है, क्या सिंथेसाइज करता है ईआर भाई? अभी हमने पढ़ा कि जो दो ईआर होते हैं एसईआर और आरईआर, तो एसईआर क्या करता है, फैट्स को और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, और आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो इसको ये जो मटेरियल सिंथेसाइज किए गए हैं इनको पैकेज करने का काम या डिस्पैच करने का काम कौन करता है, सेल के अंदर ले जाने का काम या सेल के बाहर ले आने का काम कौन करता है? गॉल्जी अपैरेटस करता है, ठीक है। उसके बाद है इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, ये पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में और मॉडिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। गॉल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गॉल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम के बनने में भी मददगार है। लाइसोसोम आपका अगला सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम देखिए क्या है, देखिए लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए दिया है, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयर फोर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, क्या होता है इसको शुरू से पढ़ते हैं कि क्या है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए लाइसोसोम का जो लाइसोसोम के जो सैक्स या जो थैले होते हैं वो किससे भरे होते हैं, एंजाइम से भरे होते हैं, और ये एंजाइम्स बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, और लाइसोसोम क्या करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो खराब पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, सेल से क्या करने का काम करता है, डिस्पोज करने का या बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, और ये क्या करता है, सेल साफ सुथरा रहे इसकी भी देखभाल यही करता है। फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और अब ये क्या करता है कि जो फॉरेन मटेरियल, फॉरेन का मतलब बाहर से आए हुए जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है। लाइसोसोम आर able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material, ठीक है। लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेन करते हैं, इनके पास बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, और क्या होता है कि जब सेल खराब हो जाता है तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम
में जो ये एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ही सेल को खा लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, आप इसको ज़रूर अंडरलाइन करेंगे, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम मे बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयर फोर लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखिए इसके बाद हमको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, और लास्ट टॉपिक है आपका सेल डिवीज़न, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए होमवर्क है, देखिए पेज नंबर 65 एनसीईआरटी की बुक पे पेज नंबर 65 पे पहला क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन योर ओन जेनेटिक मटेरियल। सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, ये दो क्वेश्चन है आपके होमवर्क हैं एनसीईआरटी चैप्टर पेज नंबर 65 के क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, ये दो आपके होमवर्क्स हैं, इन्हें आपको करना है। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।